अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हालचाल है आप सबके? आई होप यू आर डूइंग गुड। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो आज है जी सेकंड पार्ट ऑफ माय वेकेशन ट्रिप, और आज हम जा रहे हैं स्टैनली पार्क। और जैसा कि देखें आप लोग, जो हम ब्रिज से गुजर रहे हैं, ये है, ये पैसिफिक ओशन के ऊपर ही है ये बिल्ट हुआ हुआ। और व्यूज़ देखें कितने ज़बरदस्त हैं यहाँ पे। साइड पे माउंटेन्स हैं, साइड पे डाउन टाउन की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, और ऐसे नीचे जो आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो डिफरेंट बोट्स हैं, कुछ लोगों की अपनी जो होती हैं, पर्सनल होती हैं प्राइवेट बोट्स, या फिर ये कि कोई क्रूज़ वगैरह होगा इस तरह, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। और चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हर साल टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक होती है हर साल, स्पेशली इन वाले जो होते हैं ना मंथ्स, जैसे कि जून से लेकर सितंबर तक, तो बिल्कुल पीक सीज़न होता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, अब हम लोग उधर ही जा रहे हैं पार्क की साइड पे, और व्यू ज़रा चेक करें, इतने ज़बरदस्त हैं। ट्रीज़ भी सही लंबे लंबे, ऊंचे ऊंचे, और ये कि रोड के बिल्कुल दोनों तरफ ही है ना, इस तरह नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ये कि इनकी स्ट्रीट्स पे वैंकूवर में जो है ना, वो तकरीबन 30 किस्म के हैं ट्रीज़, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के। और कुछ आप लोगों को इसकी हाइट से ही लग रहा होगा कि कई सौ साल जो है वो पुराने हैं ये दरख्त, और ये कि उसी से ही इसकी ब्यूटी है। और इस सिटी में है ही ये ज़्यादातर इसी तरह की इसकी ब्यूटी, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त लगा। और मुझे तो ज़्यादातर जो है ना वैंकूवर में जाके पाकिस्तान की वाइब्स आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये कि स्पेशली जो है वो ज़्यादा जो मुझे वाइब्स आई हैं वो घरों को देख के, क्योंकि यहाँ पे घरों का स्टाइल बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान में होता है। अगर आप लोगों को ना आगे किसी ब्लॉग में दिखाऊँगी तो आइडिया होगा कि किस लिए मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल वहाँ पाकिस्तान जैसे स्टाइल के घर बने हुए हैं इस सिटी में। और अभी हम पहुंच गए हैं स्टैनली पार्क। और ये होता है कि जैसे ही पार्क से पहले जो है, इस तरह बाइक रेंटल्स की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो बाइक पे इस पूरे पार्क जो होता है ना स्टैनली पार्क का विज़िट करते हैं, क्योंकि बाय वॉक जो है वो तो पूरा देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो 10 किलोमीटर के उस पर है, मतलब फासला है उसका पूरा ना। अगर हम लोग पैदल चलेंगे तो वो तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और ये है कि लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्क से पहले ही इस तरह शॉप्स हैं, तो लोग जो है वो बाइक ले लेते हैं रेंट पे, और इस तरह जो वो पूरे पार्क का चक्कर भी लगाते हैं। तो अभी मैं भी यहाँ पे, हम लोगों ने भी जो है सब ने बाइक्स पकड़ ली अपनी अपनी, और जी अब चल पड़े हैं हम पार्क की तरफ। और यहाँ पे देखें, स्टार्ट से ही जो है वो कितने ज़बरदस्त व्यू स्टार्ट हो गए हैं। मैं बैठ गई हूँ अपनी बाइक पे और ये हम सब चल पड़े हैं। और यहाँ पे देखें, स्टार्ट में इसी तरह से लोगों ने, ये है सबकी पर्सनल जो यार्ड्स होती हैं, सब बोट्स वगैरह वो सब पार्क की हुई है। और यहाँ से ट्रैक शुरू हो गया, और ट्रैक भी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बनाए हुए थे, वो पूरे पार्क को जो है ना कवर करता है। और बीच में जो है इसी तरह अट्रैक्शंस हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस तरह के एक साइड पे वॉकिंग ट्रेल है और दूसरी साइड पे जो है वो बाइक ट्रेल है, तो इस तरह इन्होंने सेपरेट किया हुआ है ताकि जो बाइक वाले हैं उनको ये ना मसला पड़े कि कोई बीच में चल रहा है, बार बार उनको रोकना पड़ रहा है और ये सब हो रहा है, तो वो इस हर्डल से बचने के लिए भी उन्होंने डिफरेंट ट्रैक्स बना दिए। जो वॉक करने वाले हैं वो इस तरह साइड पर जा रहे हैं, और हम लोग जो हैं वो इस तरह बाइक पर जो है वो बैठ के पूरा इसका जो है ना वो टूर करेंगे। तो यहाँ पे हो गया जी स्टार्ट, और रास्ते में भी बड़े ज़बरदस्त इस तरह व्यूज़ हैं। कुछ लोग पिकनिक कर रहे थे, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, और अभी आगे भी जांच के मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या कुछ हमें बीच में नज़र आएगा। डिफरेंट स्पॉट्स हैं बीच में, दो इन्होंने सैंडी बीच भी थी, उसके अलावा फिर ये कि ओशन साइड पर भी लगता है, और इस तरह हार्बर भी है वहाँ पर। तो वह सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड और साथ में एंजॉय करें। और यहाँ पे देखें, आप आ गया है जी हार्बर का एरिया, जहाँ पे जो है वो रेंटल भी है और सबकी प्राइवेट बोट्स भी हैं यहाँ पे, ये सब याच्स वगैरह है यहाँ पे खड़ी हुई। और उसके अलावा फिर ये है कि आगे इसी तरह मैं इसी तरह ट्रैक पे जाके आपको दिखाऊंगी और क्या कुछ आ रहा है आगे, तो आप भी मेरे साथ साथ जो है वो स्टैनली पार्क की सैर करें। और यहाँ पे बस सब मैं जा रही हूँ आगे, और मेरे पीछे पीछे हस्बैंड भी चला रहे थे, तो उन्होंने भी थोड़ी मूवी बना ली। तो इस तरह ये कि यहाँ पे ये देखें, सभी अपनी अपनी साइड पे जो है वो अपने अपने मज़े से जा रहे हैं बाइक्स पे। और वाकई में ये मज़ा ही बाइक पे आया, मतलब मुझे शुरू में लग रहा था कि इतना लंबा चक्कर बाइक पे कैसे होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो मज़े का ट्रैक है, यानी वो बंदा इंजॉय करता है साथ साथ भी उसको और सारे जो होते हैं ना। और यहाँ पे ये देखें,
फिर हम लोग हार्बर की साइड पे आ गए और यहाँ पे ये था कि ये लाइट हाउस का था स्पॉट जो है वो, तो यहाँ पे भी तस्वीरें वगैरह सब खींच रहे थे और एंजॉय कर रहे थे व्यूज को डिफरेंट, यहाँ पे भी मज़ा आ रहा था। अब आ गया है जी, यहाँ पे इसी तरह टूर्स भी होते हैं, हॉर्स टूर, बगी टूर्स जैसे कह लें कि वो भी होते हैं, तो इस पे भी जाते हैं लोग और पूरी बगी में इस तरह सैर करते हैं। हम लोगों ने तो नहीं ये ली थी क्योंकि बाइक पे ही हम लोग, तो पूरा हम लोग का हो गया था, काफ़ी मज़ा आया। तो ये इस तरह के बीच में भी ये देखें पार्क टूर, ये पूरे पार्क का ये भी इसी तरह चक्कर लगाएंगे, इसका एक अलहदा से ट्रैक बना हुआ था पूरे पार्क का, इसी तरह ये भी चक्कर लगाते थे। तो ये भी हो रहा है बीच में, साथ में एक स्पॉट ऐसा भी आया था कि जहाँ पे जैसा बच्चों का प्ले एरिया सा था। तो और अब मैं यहाँ पे आई हूँ, ये भी इसी तरह बीच में ओशन वगैरह ही देखें, सब ने अपनी अपनी बोट्स जो है वो, ये सबकी प्राइवेट बोट्स इन्होंने रखी हुई है। और ये देखें ये भी सब जो है वो डाउनटाउन ही लग रहा है यहाँ पे। अब हम क्या हो गया, साइकिल से उतर गए हैं, पार्क हमारा पूरा चक्कर हो गया। और तकरीबन आप कह लें कि हमने तकरीबन कोई 10 किलोमीटर की पूरी हम लोगों ने बाइक पे चक्कर लगाया था, लेकिन चूंकि अगर पैदल करते तो बहुत टाइम लग जाता, तो बाइक पे करने से ये हुआ कि जो है वो आराम से जो है फटाफट से पूरा पार्क भी देखा गया और टूर भी हो गया उसका ज़बरदस्त। तो अब हम जा रहे हैं जी डाउनटाउन, यहाँ पे देखें सब डाउनटाउन के ही हैं सब ये बिल्डिंग्स, और इसी तरह जब हार्बर के साथ साथ है। और अब हम जा रहे हैं कैनेडा प्लेस, लेकिन वो ये है कि यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग का ही एरिया है, यहाँ से तकरीबन 4-5 मिनट का है, 4-5 मिनट की वॉक थी। तो मैंने कहा कि चलें यहाँ पे भी जाते हैं और साथ साथ आप लोगों को भी यहाँ के नज़ारे कराती हूँ। तो ये कि रास्ते में इसी तरह जो है वो बिल्डिंग्स आ रही थी, इसी तरह ऊंची ऊंची जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें ये कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी हैं, होटल्स भी हैं, ऑफिस भी हैं, सब मिक्स ही था ना। तो यहाँ पर बस हम अब उधर ही जा रहे हैं कैनेडा प्लेस की तरफ, और वो भी मैं आपको जाके दिखाऊंगी कि जब करीब पहुंचेंगे। और यहाँ पे जो आ गया है रास्ते में, ये वही वाला ही चल रहा है। अभी हम लोग जैसे स्टैनली पार्क से निकले हैं तो ये हार्बर आ गया है सारा, और ये है जी एयर हार्बर का टर्मिनल। तो ये भी यहाँ पे टूर्स करवाते हैं, एयर सी प्लेन कह लें कि यहाँ पे जो है वो एयर हार्बर है। तो यहाँ पे ये लोग टूर कराते हैं, सिटी का भी होता है, फिर साथ में जो वैंकूवर सिटी है वहाँ पे भी ननाइमो बीच है, उधर भी का भी करवाते हैं। तो इस तरह इनके डिफरेंट डिफरेंट टूर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये है, और अभी हम आगे जा रहे हैं, और ये आ गया है जी कैनेडा प्लेस, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी। यानी मैं अभी शुरू में तो आप लोगों को थोड़ी सी इसका क्लिप दिखाऊंगी, लेकिन ये कि मैं इसकी वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि अलाउ नहीं था अंदर वीडियोग्राफी का, लेकिन थोड़ी सी फिर भी मैंने ज़रा सी बना ली थी स्टार्ट में। उसका एक्सपीरियंस ही बहुत ज़बरदस्त था, बिल्कुल आप कह लें कि एक सिमुलेशन का एक्सपीरियंस था, और बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल ना, एक तरह से सीट्स थी और पूरी वो कैनेडा की वाइट्स उसका ना सैर करवाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम लोग, ऐसा फील आता है जैसे हम हवाओं में उड़ रहे हैं और बिल्कुल हवा में उड़ते उड़ते कैनेडा की सैर कर रहे हैं हर प्रोविंस की, और इस तरह से ना। तो इस तरह की राइड थी लेकिन बहुत ही मज़े का आया। तो अगर आप लोगों का भी कभी जाने का मतलब वहाँ पे टूर हो तो ज़रूर, यानी ये तो मस्ट विज़िट है ये वाली प्लेस जो है ना, तो कैनेडा प्लेस जो है तो ये तो मस्ट है। तो आप लोग जब भी अगर यहाँ पे जाएँ तो ये ज़रूर जो है वो आप लोगों ने करना है। तो अभी हम लोग बस इस राइड के लिए जो है वो लाइन में लग गए हैं, और फ्लाईओवर है जी इस राइड का नाम, और ये है कि आप लोग भी देखें और एंजॉय करें। यहाँ बैठना Astonishing flight across Canada's most stunning scenery. But before you take off, we're excited to present a unique taste of our great country in an opening multimedia experience that we call Uplift. This part of your adventure was created for us by Moment Factory, an award-winning new media and entertainment studio from Montreal. Uplift lasts about 6 minutes. You will then move into the pre-flight area, where you will see a brief safety video before you take off. तो बस ये
है कि इतना ही क्लिप बना सकी मैं, क्योंकि आगे अलाउ ही नहीं था बिल्कुल भी बनाना। मैंने फिर कैमरा बंद कर दिया था और इन्जॉय की वो वाली राइड, लेकिन बहुत मज़ा आया। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।